तो स्टूडेंट्स, यूनिक ऑनलाइन गुरु के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम अपनी जो BCA के लिए एलिमेंट्री फिजिक्स की का जो सेशन था, उसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ा था, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोर्शन है। अब उनकी प्रॉपर्टीज़ में एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया था, जो हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होता है, जो कूलॉम्स लॉ होता है, फोर्स कैसे वर्क करता है। और अब आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। जैसा हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ा था, क्या होता है कि अगर एक पॉइंट चार्ज है, ये सपोज ये क्यू चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है। मैंने बताया था ना प्लस क्यू का क्या मतलब इस पर क्यू कूलॉम्स का चार्ज है। और कैसा उसका नेचर है? पॉजिटिव नेचर है। अब ये चार्ज होगा, ये अपने अराउंड एक 3D में, थ्री डायमेंशन में अगर एक पॉइंट चार्ज है तो एक स्फेरिकल ऐसा एरिया जनरेट कर लेगा, जिसमें इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो आप अट्रैक्शन का, रिवर्स या रिपल्शन का कोई दूसरे चार्ज फील कर सकता है। मतलब कि अगर इस स्पेस में आप कोई दूसरा एक चार्ज लाएंगे, सपोज एक चार्ज है क्यू नॉट, एक छोटा सा चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज, ये कंडीशन होती है कि जो क्यू नॉट यानी जो टेस्ट चार्ज होता है, इसे हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, इसे सोर्स चार्ज, मतलब जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है वो बहुत छोटा होना चाहिए, जिससे कि वो हमारा जो सोर्स चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना कर सके। तो जब हम इस चार्ज को इसके फील्ड में लाएंगे तो क्या होगा, जैसे ही इस फील्ड में पहुंचेगा ये चार्ज, यहाँ से हटके, ये चार्ज जैसे मैंने यहाँ से हटाया और जैसे ही आके ये यहाँ पे आया, ये चार्ज प्लस क्यू नॉट है सपोज, ये पॉइंट चार्ज है, और जैसे यहाँ पे आया इसके बीच में, इन दोनों के बीच में प्लस क्यू और प्लस क्यू नॉट के बीच में एक चार्ज, एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। और वो फोर्स क्या होगा, यहाँ जो डिस्टेंस है इनके बीच की, मान लीजिए अगर वो R है और इस पर चार्ज हमें पता है ये प्लस क्यू नॉट है, इस पर प्लस क्यू है, और ये क्यू इस पॉइंट का नाम है, ये क्यू यहाँ से आप हटा भी दें कोई समस्या नहीं है। अब इन दोनों के बीच पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, वो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग, कूलॉम ने क्या लॉ दिया था यहाँ से हमें याद होगा, अगर आपको पिछले क्लासेस में नहीं याद है एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, कि फोर्स जो होगा उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। क्यू नॉट यहाँ पे क्या है, ये हमारा टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है ना, और ये क्या है हमारा सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, ठीक। और ये जो वैल्यू हमारी आई थी 1/4πε0, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी। और ये कहाँ से आया था, ये आपको अगर अभी भी नहीं क्लियर है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप पहले जाके वो वीडियो देख लें, जिनमें इसके बारे में हमने बताया है कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कैसा है। कूलॉम सर ने जो लॉ दिया ये तो उसका मैथमेटिकल फॉर्म है, एक्चुअल में लॉ की स्टेटमेंट क्या है, क्या कहती है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप समझ लीजिए, उसके बाद ही आप जो पोटेंशियल का टॉपिक है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगता है, यानी कूलॉम्स लॉ का, उसका एक छोटा सा ब्रीफ। अब आगे हम देखेंगे क्या चीज़ कि इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या होता है कि आप बुक्स में पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आता है, इलेक्ट्रिक फोर्स समझ में आता है, कूलॉम्स लॉ समझ में आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में समस्या हो जाती है। वो समस्या कारण क्या है, आप उसको एक कॉम्प्लिकेटेड वे में पढ़ते हैं, कॉम्प्लिकेटेड में नहीं पढ़ना है, एक सिंपल सा इजी वे में पढ़ना है और समझना है क्या चीज़ कि अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ एक पॉइंट है, यहाँ पर ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का कोई नाम दे दीजिए आप, मान लीजिए मैंने इस पॉइंट का नाम दे दिया ए। अब इस पॉइंट पर मान लीजिए कुछ चार्ज है पहले से, है ना, इस पॉइंट पर पहले से कुछ चार्ज है, तो हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे, सिंपल टॉपिक है, ए पॉइंट है जिस पर प्लस क्यू चार्ज है हमारा। अब क्या हो रहा है कि हम एक कोई चार्ज ऐसा है, ये क्या हुआ हमारा सोर्स चार्ज हुआ, ये अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे बना लेंगे, एक सर्कल लेते हैं यहाँ पे वाइट कलर से ही, और कुछ ऐसे इतना बड़ा ठीक रहेगा, और इसे हटा करके ये चीज़ जो है, नहीं नहीं जो ये चीज़ है
यहाँ ये क्यों हट रहा है भाई, एक सेकेंड, ऐसे ये हटा करके हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसके सेंटर पे है, सेंटर का पॉइंट का नाम ये है, उस पर प्लस क्यू चार्ज है। अब ये इसकी फील्ड है, मान लीजिए ये जो फील्ड है इसने एक फील्ड जनरेट की। अब क्या हुआ, हम जैसे ही एक चार्ज लाएंगे इसके अंदर तो उस पर फोर्स लगाना स्टार्ट होगा। क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका जो रेंज होता है, किसी भी चार्ज के से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेंज होता है क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ऐसा क्या, ऐसा जो थ्योरेटिकल होता है, थ्योरेटिकल में क्या मानते हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका जो डिस्टेंस होता है, मतलब वो कितने दूर तक एक्सटेंडेड है स्पेस में, वो इनफाइनाइट होता है। मतलब इन्फिनिटी पर भी, इन्फिनिटी तक उसका होता है। इन्फिनिटी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो जीरो होती है, मतलब वहाँ पर किसी चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होता है। उसके पहले आप किसी भी चार्ज पर बहुत छोटा सा ही फोर्स लगेगा, लेकिन आप कितनी भी दूर एक चार्ज को लेकर जाएँ उस पर फोर्स लगेगा ही रहेगा। तो अब जो वो चार्ज है वो जब इन्फिनिटी पे है, देखिए मान लीजिए बहुत ज़्यादा दूर यहाँ पे कहीं पे, हम ये डिस्टेंस आपको देखने का नहीं है क्योंकि ये तो एक फाइनाइट डिस्टेंस है। हम एक मान के चलते हैं कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस में, मतलब इतनी डिस्टेंस है कि जहाँ पे इस चार्ज का इफेक्ट नहीं है। तो अगर यहाँ पे कोई चार्ज रखा है प्लस क्यू नॉट, सपोज प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है क्यू नॉट जिसका मैग्नीट्यूड है, तो अगर इस चार्ज को यहाँ से, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट यहाँ पे स्पेस में है, यहाँ से अगर इस पॉइंट पर लाया जाए तो ऑब्वियसली बात है हमें कुछ वर्क करना होगा। वर्क का हम पढ़ चुके हैं। वर्क क्या होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी पार्टिकल पे या किसी और बॉडी पे फोर्स लगाओ और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो, हाँ उसमें एक उसका जो पोजीशन है वो चेंज हो। तो अगर हम इसको यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे तो उस पर हमें वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क किसके अगेंस्ट करना रहेगा, मतलब इस वर्क को कौन अपोज करेगा, अपोज करेगा या आप कहिए उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, वो चार्ज पे डिपेंड करेगा ये क्यू। तो अगर हम इस एक ये जो क्यू चार्ज है प्लस क्यू नॉट, ये क्यू नॉट चार्ज है, इसको हम यहाँ से यहाँ लाएंगे तो हमें एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा, कुछ हमें वर्क उस पर करना पड़ेगा। और जो वर्क इस काम में लगेगा, यानी कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज टू नियर टू दैट चार्ज, ठीक है, इससे एक आर डिस्टेंस पे लाने के लिए जितना काम हमें करना पड़ेगा, जितना वर्क करना पड़ेगा, उसी को कहते हैं इस चार्ज का, ये जो चार्ज है वो इस चार्ज की वजह से उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक बार और समझिए, जैसे कि मैं हमने कहा यहाँ पे क्या कहा कि ये चार्ज अभी यहाँ पे है और ये डिस्टेंस इन्फिनिटी है, मतलब यहाँ से इसके लिए ये चार्ज यहाँ पर, इसकी जो फील्ड है चार्ज की ये यहीं तक है ना, मतलब इसके बाहर इसका कोई अस्तित्व, इसके फील्ड का कोई, इसका फोर्स का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, तो इसके बाहर ये फोर्स नहीं लगा सकता। अब मैं कह रहा हूँ कि हमको यहाँ से ये जो चार्ज है ये पकड़ के या उठा के या किसी भी तरह से आपको फोर्स लगा करके लाना है, यहाँ पे रखना है इसकी फील्ड के अंदर। तो अगर आप इसकी फील्ड के अंदर रख लाएंगे तो होगा क्या, ये देखिए क्या हुआ, ये चार्ज यहाँ से हट गया और यहाँ पे आ गया, ये सॉरी यहाँ पे आ गया, सर्कल से हम इसे नहीं दिखाएंगे, एक पॉइंट से दिखाएंगे कि ये चार्ज यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखिए चार्ज यहाँ पे आया, क्या था, क्यू नॉट चार्ज था, और मान लीजिए इसकी जो डिस्टेंस यहाँ से है ये डिस्टेंस क्या है, आर है, तो अभी कहाँ था, इन्फिनिटी पे, आर डिस्टेंस पे हम ले आए, कुछ हमें वर्क करना पड़ा, और जितना वर्क हमने किया वही इस चार्ज प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से क्यू नॉट ये यहाँ पे ये जो पॉइंट है आर डिस्टेंस पे उतने का पोटेंशियल है। मतलब जो पोटेंशियल होता है वो एक सोर्स चार्ज की वजह से होता है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो एक सोर्स चार्ज की वजह से होता है, और कहाँ होता है, इससे एक फाइनाइट डिस्टेंस पे जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो। ये अगर आप इसको आर जो होता है इसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर ले लेंगे तो कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर वहाँ पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। लेकिन आपको यहाँ पर साथ साथ ये जानना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होती है, मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो इन्फिनिटी तक आपको फोर्स मिलेगा, इन्फिनिटी पे उसकी वैल्यू जीरो होगी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो हमने ऐसा माना कि अगर हम इस पॉइंट क्यू नॉट से लाके आर डिस्टेंस पे रखेंगे उसकी फील्ड में, तो क्या होगा, हमारा जो वर्क डन होगा वो ही कहलाएगा उस पॉइंट पर पोटेंशियल हमारा। तो इसको जरा वर्ड्स में लिख लेते हैं, है ना, वर्ड्स में लिख लेते हैं, यानी इसकी जो स्टेटमेंट है या डेफिनेशन आप कह सकते हैं, क्या चीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
बस ये टॉपिक हम बहुत थोड़ा स्लो में समझाएंगे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा समस्या होती है। आगे से फिर टॉपिक्स और आपको जब ये समझ में आएगा तो आपको और टॉपिक जल्दी जल्दी समझ में आने लगेंगे। कौन से टॉपिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रो की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क क्या होता है, सब समझ में आएगा बहुत जल्दी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आप एक टर्म आएगा, हाँ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, मैं इसको हाईलाइट किए देता हूँ। कौन सा? ये रेड कलर यूज करके, ये इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, आप पॉजिटिव लिखें या ना लिखें, पॉजिटिव कहें, लेकिन हम यहाँ पे एक से एक कंप्लीटनेस के लिए कि हमारा जो स्टेटमेंट है उसमें हम आप पॉजिटिव इंक्लूड करें कि चार्ज का हम नेचर बता रहे हैं। अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड, बस ये जो वर्क डन है ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एट द पॉइंट, ठीक। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को या एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये जो क्यू नॉट हमने लिया है इस पे जो उसकी सबस्क्रिप्ट है, ये जो बीच में जैसे हम कुछ लिखते हैं, जैसे हमने ऐसे लिखा यहाँ पे जीरो या वन, मान लीजिए वन लिखा, कुछ भी लिखा, इसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं। इसके ऊपर जो लिखते हैं जैसे पावर वगैरह लगाते हैं उसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। तो इसकी जो सबस्क्रिप्ट हमने जीरो ही, हम क्यू नॉट जो होता है नॉट, ब्रिटिश इंग्लिश में जीरो को नॉट बोलते हैं। तो नॉट क्यों लिखते हैं हम इसे? देखिए उसका कारण ये है कि यहाँ पे हम ये मानते हैं कि वो एक बेसिक चार्ज है, मतलब बेसिक का मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिटी है, मतलब उसका यूनिट मैग्नीट्यूड है एक कूलम। एक कूलम का मतलब क्या हुआ कि हम जो भी अपना मैग्नीट्यूड मांग रहे हैं चार्ज का वो यूनिट में होना चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होगा हमें कि हमें जो ये जो पोटेंशियल मिलेगा या जो वर्क का हमें जो फॉर्मूला मिलेगा या फिर जो हमें उसका जो इक्वेशंस मिलेंगी हमें, वो क्या होगा, वो जो इंडिपेंडेंट रहेंगे एक हिसाब से क्यू नॉट के मैग्नीट्यूड के। क्यों? क्योंकि हम ये जो चार्ज का पूरा ये ले रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो यूनिट चार्ज के लिए ले रहे हैं, मतलब जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो यूनिट चार्ज होना चाहिए। तो एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ पर लाने के लिए, आर डिस्टेंस पर लाने के लिए जो वर्क हमें करना पड़ता है वही है वहाँ उसका जो पोटेंशियल है एट दैट पॉइंट। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको नोट करना हो नोट कर लीजिए, फिर आगे इसका हम डेरिवेशन करेंगे कि पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए पोटेंशियल के, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हमने बात की तो जाहिर से बात है एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, और जब फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका मेजरमेंट भी होगा, इसकी यूनिट्स भी होंगी, और इसके इसको निकालने के लिए कुछ इक्वेशंस या कुछ आप कैसे फार्मूला इनको कह सकते हैं वो भी होंगे, और उन सब को हम अपनी बेसिक थ्योरी से भी यूज करेंगे, यहाँ पे डराइव करेंगे। क्या है जो वर्क डन है? ये पोटेंशियल है ना, ये पोटेंशियल जो है इसकी यूनिट क्या है? एक्चुअली में आप अगर देखें तो वर्क डन होना है ये, मतलब ये वर्क है एक टाइप का, इसकी जूल में ही होनी चाहिए, लेकिन चार्ज चूंकि इन्वॉल्व है तो यहाँ पर इस वर्क डन को जो पोटेंशियल है उसको स्पेशल नाम दिया गया, उसकी यूनिट को क्या नाम दिया गया है? वोल्ट। ये यूनिट पोटेंशियल, कैसे मेजर करेंगे किसी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है? इलेक्ट्रिक, यहाँ पे मैं ये लिख दूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है वोल्ट, VOLT। इसको आपको इसका कन्वेंशन याद रखना होगा कि आप जब फुल नाम लिखेंगे उस यूनिट का, उसको फुल फॉर्म में लिखेंगे तो आपको स्मॉल लेटर्स का यूज़ करना है स्टार्ट में, लेकिन अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कैपिटल लेटर का यूज़ करना है। तो क्या है? VOLT। शायद कन्फ्यूज़न हो रहा हो यहाँ पे, इसको फिर से मिटा के लिख देते हैं VOLT और L ऐसे बना देते हैं वोल्ट। तो वोल्ट क्या है? पोटेंशियल की हमारी यूनिट है।
अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट तो वोल्ट हो गई, अब इसके मेजरमेंट का कि वोल्ट कैसे हम पता लेंगे कि कितना वर्क डन हुआ, उसका सिंपल सा तरीका है। आपको मैंने कैलकुलस पढ़ाया था, कैलकुलस में हमने जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बारे में हमने पढ़ा था, और हमें ये भी पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन का क्या यूज़ होता है, इंटीग्रेशन का क्या यूज़ होता है। डिफरेंशिएशन का क्या यूज़ होता है कि आपको कोई एक क्वांटिटी दी है और उसका रेट ऑफ चेंज आपको निकालना है, तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और अगर आपको एक क्वांटिटी एक पर्टिकुलर इंटरवल में दी है और आपको उसका टोटल, मतलब उसका टोटल जो मैग्नीट्यूड है, टोटल समेशन है, वो निकालना है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन का। तो देखिए तरीका क्या है, तरीका देखिए कि यहाँ मान लीजिए ये जो चार्ज था, ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ये यहाँ पर है, और इन्फिनिटी से हम उसको, ये जो हमारा क्यू नॉट चार्ज था, ये हमारा चार्ज है क्यू नॉट। आई होप ये दिख रहा हो, नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे करते हैं, अभी ये आपको दिखना चाहिए। तो हमारा जो चार्ज था वो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, तो इसको अगर डिस्टेंस को हम ऐसे ही करके यहाँ पे मेज़र करें तो ये क्या इनफाइनाइट डिस्टेंस है। अब हमने क्या किया कि इस पॉइंट जो चार्ज है इसको यहाँ से एक फाइनाइट डिस्टेंस पे लेकर आए, यहाँ से उठा करके हम ऐसे लेकर आए, ये डायरेक्शन लाने का डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है, इसको हम हटा भी सकते हैं, तो इसको हम उठा के यहाँ से यहाँ पर ले आए, तो क्या हुआ ये क्यू नॉट अब यहाँ पर आ गया। और हम कहेंगे ये क्यू से क्यू नॉट की जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है आर, मतलब अभी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो थी, अभी फाइनाइट डिस्टेंस पे आ गया तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मतलब इस पर फोर्स भी लगेगा। अब देखिए इसमें कुछ वर्क डन, वर्क हमें करना पड़ा, कुछ काम करना पड़ा, और वो वर्क किसके अगेंस्ट हुआ, ये जो क्यू है, ये जो क्यू चार्ज है, इसके फील्ड के अगेंस्ट में हुआ। तो हमारे हमें जो फोर्स लगाना होगा वो उसके फील्ड के बराबर का लगाना होगा, मतलब जितना ही फोर्स उसको अपोज करने में लगा रहा है उतना ही फोर्स हमको उसको लाने में लगाना होगा। तो अगर देखिए यहाँ पे ये इमेज ऊपर हो गई, तो अगर मान लीजिए एक छोटे से डिस्टेंस के लिए, अगर यहाँ से यहाँ पर एक छोटे से डिस्टेंस में इसको सरकाना हो, तो यहाँ पे क्या होगा, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट होगा। एक इतना हम छोटा दे रहे हैं कि वहाँ पे जो आर, यानी जो आर जो रेडियस है वहाँ पर, वो रेडियस नहीं, जो उसकी डिस्टेंस है यहाँ से क्यू से, वो उसमें बहुत इनफाइनाइट सीमल स्मॉल चेंज हो रहा है, मतलब इतना छोटा चेंज हो रहा है कि उसको हम कॉन्स्टेंट मान सकते हैं वहाँ पर। तो क्या होगा अगर स्मॉल किए, तो यहाँ पे जैसे ऐसे लिखते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, या ब्रिंगिंग की जगह पे यहाँ पे यूज करें इन मूविंग, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस, एक छोटे से डिस्टेंस के लिए मूव करें, कितना dx। अगर एक dx डिस्टेंस पे, यहाँ पे मैं dx को हाईलाइट कर दूंगा, ये अगर एक छोटा सा डिस्टेंस, बहुत छोटा सा डिस्टेंस dx में अगर उसको मूव करें, तो हम कितना मानेंगे कि जो फोर्स है, जो वर्क है हमारा, वो कितना लगा है dW का मतलब कि बहुत छोटा अमाउंट में जो वर्क है उसका एक छोटा सा पार्ट, यहाँ से यहाँ लाने के लिए पूरा वर्क डन हमें करना पड़ेगा। हम क्या निकाल रहे हैं, केवल इस छोटे से डिस्टेंस, कितना है डिस्टेंस dx, केवल इस छोटे से डिस्टेंस dx के लिए हम निकाल रहे हैं कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वो कितना होगा, आपको पता है क्या होता है वर्क डन, क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या क्या मतलब कि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है डॉट प्रोडक्ट। तो एफ डॉट डी एक्स ये होता है ना, एफ भी एक फोर्स है और डी एक्स भी फोर्स है, और डॉट प्रोडक्ट क्या होगा दो वेक्टर्स का, एक स्केलर होगा, तो वर्क डन जो होता है वो स्केलर होता है एक्चुअली में, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी स्केलर ही रहेगा। तो एफ डॉट डी एक्स, अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, एफ डॉट डी एक्स का मतलब क्या है, एफ डॉट डी एक्स का मतलब ये है कि वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड, जिसे हम केवल एफ लिख देंगे, और डी एक्स का मैग्नीट्यूड, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो डी एक्स होनी है, इंटू कॉस्ट
थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी जरा बताइए, यहाँ पे थीटा क्या होगा? यहाँ पे देखिए इसकी जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ये इस लाइन में है, फोर्स का डायरेक्शन क्या है इधर को, ठीक है, और उसका जो मूवमेंट हम करा रहे हैं वो उसका डायरेक्शन क्या है इधर को ही, इसके जस्ट अपोजिट 180 डिग्री पे। और कॉस 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 प्लस 90 का, ये देखिए जैसे ये फोर्स है, फोर्स जो लग रहा है ये हमारा जो मूवमेंट हो रहा है इस ऑब्जेक्ट का, ये जो चार्ज है हमारा, चार्ज का मूवमेंट हम किस तरफ कर, चार्ज का मूवमेंट हम करा रहे हैं इस तरफ, चार्ज को इधर मूव करा रहे हैं और उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगा रहे हैं। हमने चार्ज को इधर मूव कराया तो ये जो हमारा जो टेस्ट सोर्स चार्ज था वो तो इधर डायरेक्शन के फोर्स लगा रहा है, हम उधर ही फोर्स लगा रहे हैं ऐसे मूव करा रहे हैं। ये मान लीजिए चार्ज पॉइंट है ये, तो उसको हम एक फोर्स लगा रहे हैं तो ऐसे मूव करा रहे हैं। अब देखिए फोर्स का डायरेक्शन ये हुआ एक स्ट्रेट लाइन, और मूवमेंट का डायरेक्शन क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या हो वो भी यही डायरेक्शन हुआ, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा जीरो डिग्री, और कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कॉस जीरो डिग्री, और ये क्या आ जाएगा अल्टीमेटली एफ इंटू डी एक्स, बस केवल हमारे मैग्नीट्यूड्स रह जाएंगे, वेक्टर वाला पार्ट हमारा हट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट में जो थीटा आया हमारा वो जीरो आया है। अब देखिए तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हुआ एफ डॉट डी एक्स, और क्या आया वो एफ इंटू टी एक्स। अब ये हम अगर टोटल वर्क निकालें, सो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क कितना होगा भाई, अगर छोटा सा हमें पता है और पूरा हमें निकालना है यानी पूरे का समेशन करना है, तो समेशन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन का, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू, ठीक है, डी डब्ल्यू का इंटीग्रल हो जाएगा, और वो कितना आएगा, अब देखिए डी डब्ल्यू जो है उसका इंटीग्रल कितना करने हैं, तो यहाँ भी हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा एफ इंटू डी एक्स, क्या रहेगा एफ इंटू डी एक्स, समझ में आ रही है ना बात। ये डी डब्ल्यू इक्वल्स यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से ये डी डब्ल्यू था, डी डब्ल्यू इक्वल्स एफ इंटू डी एक्स था, तो अगर पूरा हम निकाल रहे हैं तो हमें डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हम इसे भी इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो आएगा ये क्या आएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या होगा टोटल वर्क डन, और टोटल वर्क डन कितना होगा यहाँ पे, टोटल वर्क डन कितना आएगा ऐसे यहाँ पे देखेंगे एफ इंटू डी एक्स। अब हमें कहाँ से कहाँ मूव करना है, देखिए अब यहाँ पे जो इंटीग्रल है उसकी हमें लिमिट यूज़ करनी होगी, इंटीग्रल की यहाँ पे लिमिट, देखिए यहाँ पे हमने लिमिट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि दोनों लिमिट को हम बाद में सम करेंगे, यहाँ पे लिमिट है नहीं, यहाँ पे हमने लिमिट लगाया नहीं, क्यों, क्योंकि इसका जो इंटीग्रल आएगा और इसका इंटीग्रल में केवल एक कॉन्स्टेंट रहेगा, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी जो कि अभी हम कॉन्स्टेंट का वैल्यू निकाल लेंगे कितना आएगा, तो एफ इंटू डी एक्स आया, और इसकी क्या होगी हम कहाँ से कहाँ मूव करा रहे हैं, इन्फिनिटी से r डिस्टेंस पे मूव करा रहे हैं, इन्फिनिटी पे था dx की वैल्यू पहले क्या थी इन्फिनिटी थी, मतलब डिस्टेंस की टोटल, और अब क्या हो जाएगी r हो जाएगी फाइनली। तो इसके बीच में हमें क्या, आप क्या, हमारा जॉब क्या है हमारा, बस केवल ये जो इंटीग्रल है f इंटू डी एक्स इन्फिनिटी टू r, इसको हमें निकालना है, ये निकालेंगे हम अगली पेज पे। तो क्या आया एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, w इक्वल्स क्या आया इंटीग्रल f इंटू डी एक्स इन्फिनिटी टू r डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए हमने क्या माना है कि dx जो है वो क्या आएगा जो स्मॉल डिस्टेंस है, और f क्या है फोर्स जो है, अब फोर्स देखिए क्या होता है हमारा इन्फिनिटी टू r, और अगर हम देखें यहाँ पे देखिए कहाँ गया ये ऊपर है, यहाँ से हमने यहाँ पे मूव कराया dx के लिए, तो टोटल हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी से आर के लिए एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन क्या होगा अपॉन में क्या होगा जल्दी बताइए आर स्क्वायर होता है ना, आर क्या है वहाँ पे उनके बीच के डिस्टेंस का सूचक है, उनके बीच के डिस्टेंस का जो वहाँ पे डिस्टेंस है उनके बीच की, और यहाँ पे फिलहाल डिस्टेंस क्या है भी एक्स है, ये जो टोटल डिस्टेंस थी ये देखिए यहाँ पे पूरी डिस्टेंस आर है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन जब से हम डी एक्स पे मूव करा रहे हैं तो जो बाकी बची हुई टोटल डिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस कितनी है एक्स है, और छोटे से हम डी एक्स पे मूव करा रहे हैं उसको, तो वहाँ पे टोटल डिस्टेंस अभी क्या है एक्स है, और x का स्क्वायर होता है पता है ना वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, आर की जगह पे x है हमारा dx। अब देखिए ये क्वांटिटी जो है और ये दोनों क्वांटिटीज ये कांस्टेंट है ना,
तो ये क्या होंगी, इंटीग्रल के बाहर चली जाएंगी। हमें पता है कांस्टेंट का इंटीग्रल कांस्टेंट ही रहता है, तो उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं। तो आएगा 1/4πε0qq0 इंटीग्रल इन्फिनिटी टू आर 1/ix2 dx, ठीक है, x2 dx। अब x2 dx का क्या होगा, x2 dx को आप क्या लिख सकते हैं, x^-2, ये लिख सकते हैं ना, इंटीग्रल x^-2 dx। और x^n के लिए फॉर्मूला हमने बताया था, क्या बताया होता कि x^(n+1) यानी -2+1/(n+1) -2+1। और ये क्या आएगा आप देखेंगे तो 1, ये -1 होगा, या -1 का मतलब क्या होगा, सिंपल इसका जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा, और x^-1 और इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए x^-2 का हमने किया तो x^-2+1/-2+1, तो x^-2+1 जो है वो क्या बन जाएगा, x^-1 और 2 -2+1 -1, तो -(x^-1) क्या होगा, वो -1/x। तो यहाँ पे हम इसको आराम से लिख सकते हैं, हमारी जो वैल्यू आई, क्या आई वैल्यू भाई, इक्वल्स 1/4πε0qq0 1/x -1/x, और ये कहाँ से आया, इन्फिनिटी से r डिस्टेंस पे, है ना, क्या आया, इन्फिनिटी से r डिस्टेंस पे। अब देखिए इन्फिनिटी डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहले था और वो कहाँ आया, r डिस्टेंस पे आ गया। अब इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस को हम बाहर लेते हैं, 1/4πε0qq0 और 1/∞, है ना, नहीं नहीं 1/r, पहले क्या होगा, पहले अपर लिमिट -1/∞, ठीक है ना, 1/r से 1/∞ पर हम लेकर आए हैं, तो 1/r -1/∞। अब देखिए 1/∞ कितना होता है, 0, बहुत ज़्यादा बड़ा डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हमारी -1/4πε0qq0 और /r, वो 0 हो जाएगा वहाँ पे r। ये क्या है हमारा टोटल वर्क डन, ये क्या है हमारा टोटल वर्क डन w। और चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसके लिए हम कुछ यूज़ नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पे जो हमारे स्केलर क्वांटिटी, कोई वेक्टर साइन यूज़ नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ अगर आप ध्यान दिए होंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला था वही फॉर्मूला हमारा है, बस क्या हुआ है, चेंज क्या हुआ है कि जो r की वैल्यू थी वहाँ पे स्क्वायर में होती थी, यहाँ पे r में हो गई है, मतलब power 1 हो गई है, ठीक है, power -1 हो गई इनफैक्ट, तो पावर जो नीचे पावर थी वो 1 हो गई है। बाकी आप कैसे वो 1 आया, फॉर्मूले से आप देख सकते हैं, इंटीग्रल किया हमने, बस आपको अगर आप ध्यान दें, थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान दें तो क्या किया गया है हमें यहाँ पे, बस 1/x2 को इंटीग्रेट कर दिया गया है, और 1/x2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x। हमारे पास वैल्यू आ गई, क्या आई, ये देखिए -1/4πε0qq0/r। और ये माइनस साइन क्या दिखाता है कि जो वर्क किया गया है वो इस फोर्स के अगेंस्ट किया गया है, जो चार्ज वो फोर्स लगा रहा था सोर्स चार्ज उसके अगेंस्ट में वर्क किया गया है, तो इसीलिए माइनस साइन आ गया यहाँ पे। तो और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी, ये देखिए यूनिट क्या रहेगी, यहाँ पे हमने लिखा था वोल्ट वी, ठीक है, क्या यूनिट रहेगी, वी। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि जितना वर्क डन करना होता है एक पॉइंट इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लाने के लिए। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है इसे रिलेटेड, पोटेंशियल डिफरेंस का, क्या कॉन्सेप्ट है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस का, है ना, पोटेंशियल। अब देखिए एक टॉपिक में थोड़ा लंबा लगा, क्यों, क्योंकि वो टॉपिक सबसे ज़्यादा फंसने वाला टॉपिक था, आप बहुत ज़्यादा फंसते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स, उसको कॉम्प्लिकेटेड वे में पढ़ते हैं। अभी हम क्या करेंगे,
पोटेंशियल डिफरेंस, अभी पोटेंशियल क्या था हमने बहुत इजी वे में पढ़ लिया, आपको समझ में भी आ गया होगा यो कि जो वर्क डन करना पड़ा वहां से यहां तक उसी को हमने केवल निकाला। अब पोटेंशियल डिफरेंस उसी से सिमिलर टॉपिक है, बस आपको क्या करना है, पोटेंशियल क्या होता है कि ये पॉइंट है, ये सोर्स चार्ज है क्यू है, प्लस क्यू था ये, हम इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस पे लेकर आए, इन्फिनिटी से इसको कहाँ लाए, आर डिस्टेंस पे लाए, ये आर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है ये देखिए, हाँ ये डिस्टेंस जो है वो क्या है आर, और ये हमारा जो चार्ज है क्यू, क्यू नॉट कह सकते हैं, ये चार्ज तो इन्फिनिटी से आर पर लेकर आए, तो ये क्या हुआ आर वाला जो पॉइंट है, यानी इसको अगर हम नाम दे दें पॉइंट ए, ठीक है, तो पॉइंट ए का पोटेंशियल हुआ। अगर ऐसे ही एक इन्फिनिटी से आप नहीं, एक ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेकर आइए, बात समझिए, हमने क्या किया कि अगर एक चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक फाइनाइट डिस्टेंस पर ले आए तो हमारा क्या आ गया, उस फाइनाइट डिस्टेंस का क्या आ गया, पोटेंशियल है ना। अब हमें अगर निकालना हो कि ये भाई हमारा चार्ज जो हमारा सोर्स चार्ज था प्लस क्यू यहाँ पे है और एक पॉइंट है ए, यहाँ पे पॉइंट एक रखा है, कौन सा चार्ज है क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट, एक चार्ज वहाँ पे रखा है पॉइंट ए पर, है ना, पॉइंट ए पर एक चार्ज प्लस क्यू नॉट रखा है, और एक पॉइंट है बी, ठीक, क्या पॉइंट है बी यहाँ पे, और हमें क्या करना है पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेके जाना है, इसे इस चार्ज को क्या ले जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ले जाना है, या और इसका अगर क्लियर डायग्राम यहाँ पे करें, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ से यहाँ पे केवल ऐसे मूवमेंट नहीं हो रहा, चार्ज की तरफ नहीं हो रहा है, पैरल मूवमेंट भी हो रहा है, और वो चीज़ किस में आएगी, कंजर्वेटिव फोर्स के, उसमें क्या होता है कि अगर आप एक चार्ज को यहाँ से लेकर यहाँ मूव कराएं, मतलब अगर एक चार्ज है यहाँ से एक पॉइंट, मान लीजिए हमने बताया था ना कि सेंट्रल फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं, और कूलम फोर्स क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो भी एक सेंट्रल फोर्स था, तो वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब कि अगर एक चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू है और दूसरा चार्ज यहाँ पे, इसको बेटर होगा हम दूसरे पेज पे बना लेते हैं, ठीक है, एक बार समझाने के लिए ज़रा दूसरे पेज पे बनाएंगे कि अगर एक चार्ज है क्यू, सॉरी एक चार्ज है क्यू प्लस क्यू, और यहाँ अगर दूसरा चार्ज है प्लस क्यू टू, ये Q1 है मान लीजिए और ये Q2 है ना। अब आपको अगर ये चार्ज ये पॉइंट A से पॉइंट B पर लाना है, तो आप चाहे ऐसे ऐसे इस पाथ में लेकर आइए, या चाहे इस पाथ में ऐसे लेकर जाइए, या आप सीधे लेकर चले जाइए, तीनों केसेस में आप ऐसे जितने चाहें उतने केसेस बना सकते हैं, सारे ही केसेस में जो आपका वर्क डन होगा, मतलब जो उसका आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा वो सेम होगा, क्यों, क्योंकि इनके बीच का जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता कि आप कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं, सिंपल वो केवल इनिशियल पोजिशन माइनस फाइनल पोजिशन, इनिशियल और फाइनल पोजिशन पर कितना है उन पर डिपेंड करता है। वही चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर आपको अब यहाँ से ए से बी लेकर जाना हो, आपको और कुछ नहीं देखना है, आपको बस देखना है कि पॉइंट ए से इसकी डिस्टेंस कितनी है और पॉइंट बी से इसकी डिस्टेंस किसकी कितनी है, किसकी डिस्टेंस देख रहे हैं हम, जो हमारा सोर्स चार्ज है प्लस क्यू का, पॉइंट ए से कितनी डिस्टेंस है और पॉइंट बी से कितनी डिस्टेंस है। मान लीजिए पॉइंट ए से हमारी डिस्टेंस जो है वो आर1 है और पॉइंट बी से आर2 है, बस आपको केवल इतना डिस्टेंस देखना है, किस डायरेक्शन में है उससे हमको मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, केवल डायरेक्शन पे, ये किसी का डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, केवल और केवल इससे जो डिस्टेंस है यहाँ से मेन सोर्स चार्ज से, केवल उस पर डिपेंड करेगा। तो आर1 डिस्टेंस पे था, हमने आर2 डिस्टेंस पे उसको लेके गए हैं। और अगर आपको एक सिंप्लीफाइड पिक्चर बनानी हो यहाँ से, देखिए मैं इसको यहाँ पे मिटा करके एक दूसरी पिक्चर यहाँ पे बनाता हूँ, ये अगर ऐसे कि ये हमारा जो चार्ज है प्लस क्यू यहाँ पे है और पॉइंट ए यहाँ पे है और पॉइंट बी यहाँ पे है, यहाँ पे, और इसकी डिस्टेंस जो है यहाँ से, ये जो डिस्टेंस है यहाँ के बीच की, ये डिस्टेंस क्या है आर वन है, और ये जो पॉइंट बी से डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, ये है आर टू। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि जो वर्क डन है वो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कूलम फोर्स जो हमारा वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन हमारे पाथ पर डिपेंड ही नहीं करेगा कि हम इधर से इधर ले जा रहे हैं कि इधर से इधर, हमें डिपेंड होगी केवल किस पे करेगा कि इनिशियल डिस्टेंस कितनी थी और फाइनल डिस्टेंस कितनी हो गई, बस।
तो इनिशियल आप ऐसा चाहे पिक्चर बनाए चाहे वैसा पिक्चर बनाए जिससे आपको समझ में आए, अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग इससे हो रही है तो आप ये पिक्चर यूज कर सकते हैं। क्या है ये कि अगर ए पॉइंट जो है आर वन डिस्टेंस पे और बी पॉइंट जो है वो आर टू डिस्टेंस पे है, समझ में आ रहा है ना। ये बी पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से लाइन में बना देता हूँ एक पतली लाइन, व्हाइट से ही डॉटेड लाइन देखते हैं कहाँ से आएगी। हाँ ये देखिए, ये जो डिस्टेंस है ये और ये, यहाँ से उसी तरह जो ये डिस्टेंस है यहाँ से और यहाँ के बीच में, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, R1 थी और R2 हो गई है, तो हमें R1 से R2 पे लेकर जाना है। ठीक है, अभी देखिए पेंसिल पे आ गए, R1 से R2 पे लेकर जाना है। अब क्या करना है हमें, वही अपना काम अभी तक क्या कर रहे थे। तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे देखिए लिखें स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग थ्रू dx, और dx पे अगर आपको समस्या हो रही है कि dx क्या है, तो x जहाँ पे आप dr भी ले सकते हैं। r का क्या मतलब है, वहाँ से r का क्या मतलब था, जो कूलम्ब हमारा इक्वेशन था उसमें r का क्या मतलब था, डिस्टेंस। dr का क्या मतलब हो गया कि r का एक छोटा सा पार्ट, बहुत छोटा सा पार्ट, तो इसको आप x की जगह पे क्या ले सकते हैं, dr भी ले सकते हैं। अब dr में मूव करने के लिए कितना उसमें फोर्स लगेगा, वर्क डन dw लगेगा, छोटा सा वर्क डन का छोटा सा पार्ट dw, क्या होगा F इंटू डी आर, डॉट डी आर होता है, लेकिन चूंकि एंगल जो होता है वो जीरो डिग्री होता है फोर्स का, तो एंगल की वजह से क्या हुआ कि जो फोर्स का एंगल जब जीरो डिग्री है तो कॉस जीरो की वैल्यू वन हो जाएगी वहां पे, बस। तो कॉस जीरो की भाई जब वैल्यू वन हो गई तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, वन आएगी, और वो F इंटू डी आर हो गया। और इसको अगर आप निकालना है टोटल वर्क डन, सो दिस इंप्लाइज दैट टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन W क्या होगा, W इक्वल्स क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ dW, और वो क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ F dr, कहाँ से कहाँ का, R1 से R2 का, है ना, ये बात क्लियर है ना। R1 से हम R2 पे मूव करा रहे हैं, तो इंटीग्रल कहाँ से आएगा, R1 से R2 का इंटीग्रल आएगा। निकाल लीजिए ये कितना बन के आएगा, dW का इंटीग्रल तो W हो जाएगा, क्या आएगा, इंटीग्रल R1 से R2 वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 या Q Q नॉट अपॉन, अब देखिए वहाँ पे हमने x लिखा था x स्क्वायर, क्यों, क्योंकि हम डिस्टेंस को x मान रहे थे। ये केवल नेमिंग सिस्टम है, आप उसको सिंबल सब मानते हैं, फोर्स के लिए आप L यूज़ कीजिए, फोर्स के लिए आप M यूज़ कीजिए, लेकिन आप खुद ही कन्फ्यूज़ होंगे। तो एक जनरल कन्वेंशन जो होती है, फोर्स के लिए F यूज़ करना है, एक अननोन डिस्टेंस है तो x यूज़ करना है, एक फिक्स डिस्टेंस है, एक सेंट्रल डिस्टेंस है तो उसके लिए R यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम उसी हिसाब से यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे हम x लिए थे, यहाँ पे हम R ले रहे हैं, R डिस्टेंस पे R स्क्वायर था ना dr, और इसका इंटीग्रल आपको पता ही है क्या आएगा, अभी हम इंटीग्रल निकाल चुके हैं, फिर से हम नहीं करेंगे, आप चाहें आप प्रैक्टिस के लिए अपने कर सकते हैं, आएगा क्या 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, भाई बाहर हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, बाहर हो जाएगा, निगेटिव में वैल्यू रहेगी, निगेटिव क्या दिखाएगा यहाँ पे कि जो डायरेक्शन है फोर्स का उसके अगेंस्ट में वर्क किया गया है हमें, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एनर्जी स्टोर होगी, जब अगेंस्ट वर्क किया गया तो क्या होता है, एनर्जी स्टोर होती है, याद है ना, अभी एनर्जी के बारे में आएंगे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन अपॉन आर टू, सॉरी हाँ वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन, हाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये यहाँ पे क्यू वन और क्यू क्यू नॉट भी रहेगा, है ना, क्यू क्यू नॉट रहेगा आर वन इंटू आर टू, वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन, और आप चाहे तो माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, ये टोटल माइनस साइन को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू क्यू नॉट अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और R2 से R1 के बीच का हमें निकालना है, तो R2 R1 आप चाहे तो LCM लेकर के R2 R1 और R1 माइनस R2 कर दें, ऐसे ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है इससे, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने जो माइनस साइन है वो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, ये चीज़,
माय टोटल वर्क डन। ये वर्क डन क्या आ गया भाई, ये आ गया ब्लैक कलर यूज है येलो हाईलाइट के लिए येलो। ये क्या आ गया हमारा टोटल वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, आर वन से आर टू के ब्रिंग करने के लिए। तो और यही क्या है, ये क्या है हमारा, यही हमारा है इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, जो पॉइंट ए हमारे ए और बी पॉइंट है उनके बीच पे जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है यही है Q0 4π0 1/r² - 1/r2 - 1/r1 या आप 1/r1 - 1/r2 माइनस साइन इधर उधर हो जाएगा, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए क्या डिपेंड करेगा, अगर r1 यहाँ पे छोटा है, r1 जो है अगर वो छोटा है तो r1 1/r1 - 1/r2 क्या आएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और अगर वही r1 बड़ा हो गया तो ये 1/r1 छोटा हो जाएगा ओवरऑल फ्रैक्शन, तो 1/r1 - 1/r2 नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो वो डिपेंड करता है आप चार्ज से चार्ज के टूवर्ड्स ले जा रहे हैं या चार्ज से दूर लेके जा रहे हैं, चार्ज के अवे फ्रॉम लेके जा रहे हैं। तो ये हमारा वर्क डन था और यही हमारे पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट था। पोटेंशियल डिफरेंस की हमने वो स्टेटमेंट लिखी है क्या, नहीं, ये आपको इमेज समझ में आई ना, R1 से R2 पे लेकर आए हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस की हम यहीं पे स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं, स्टेटमेंट यहाँ से जाएंगे यहाँ पे लिखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप लिखना हो तो द वर्क डन इन, अब देखिए यहाँ पे फिर हम यूनिट का यूज़ करेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि हम वहाँ पे उसको मान रहे हैं कि जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी एक यूनिट उसकी यूनिटी है, तो वो हमें सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड को डिस्टर्ब, सोर्स चार्ज की फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इन ब्रिंगिंग आ, क्या ब्रिंग कर रहे हैं भाई, क्या आप ला रहे हैं, इन ब्रिंगिंग आ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये कोई भी दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स हैं, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, जो ऊपर हमारा था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी भाई, जरा लगाइए दिमाग को बताइए, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर ए जो है, अगर कोई क्वांटिटी है ए, अगर ए की एक वैल्यू में से ए की दूसरी वैल्यू निकालेंगे तो यूनिट चेंज नहीं होगी। 10 किलो में से 5 किलो निकाल दीजिए तो कितना बचेगा, 5 किलो बचेगा ना, कि 5 लीटर बच जाएगा, ऐसा तो है नहीं। जो क्वांटिटी है अगर वो सेम क्वांटिटी है तभी हम उनका डिफरेंस या बस एडिशन कर सकते हैं। तो ये क्वांटिटीज दोनों सेम ही है, ए पर जो पोटेंशियल था माइनस बी पर जो पोटेंशियल था वही ए और बी के पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया, और ए के पोटेंशियल और बी के दोनों पोटेंशियल का यूनिट क्या है, वोल्ट ही है। तो जब दोनों का वोल्ट है तो उनके डिफरेंस का यूनिट क्या होगा, सिंपल सी बात है, वो भी क्या होगा, डिफरेंस की यूनिट हमारी क्या होगी, वोल्ट होगी। तो यूनिट क्या होगी, वोल्ट, सॉरी वही गलती जो आपको नहीं करनी चाहिए, अगर आप पूरा नाम लिख रहे हैं यूनिट का तो स्मॉल लेटर में लिखिए, स्मॉल लेटर में, और नहीं पूरा नहीं लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में तो कैपिटल लेटर में, कैपिटल में, न्यूटन में, कूलम में, वोल्ट में, ये कौन थे, जैसे न्यूटन का नाम था आपको था सर आइज़ैक न्यूटन, उसे डेनियल वोल्टा है ना, जो साइंटिस्ट थे वोल्ट उन्हीं के नाम पे पड़ा है, डेनियल वोल्टा के नाम पे वोल्ट का जो हमारा यूनिट पड़ा है। ये तो आप, ये सामने है आपके पोटेंशियल डिफरेंस का जो स्टेटमेंट है उसकी यूनिट, ये आप लिख सकते हैं, आप यहीं पे स्टेटमेंट लिख देते हैं, बढ़िया सा हमारे पास एक स्लाइड जैसे तैयार हो जाएगी उसकी पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस का वो जो इक्वेशन हमें अभी डेराइव किया ना, इसे ही डेरिवेशन बोलते हैं, अगर नहीं पता तो याद कर लीजिए, यही डेरिवेशन है। डेरिवेशन का मतलब क्या, जो चीज़ें हमें पता हैं बेसिक फैक्ट्स, जो बेसिक फॉर्मूले, बेसिक
जितने में कुछ ऐसी वैल्यूज पता हैं उन्हीं को यूज करके एक ऐसी वैल्यू जो हमें नहीं पता है वो लाना, इसे ही बोलते हैं डेरिवेशन। कहता है ना फिजिक्स में एग्जाम में डेरिवेशन आता है, डेरिवेशन मतलब कि आपको जो पता है, हमें क्या पता था, कूलॉम फोर्स पता था, और ये पता था कि अगर एक स्मॉल डिस्टेंस है उससे बड़ा डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रल निकालेंगे यानी इंटीग्रेशन करेंगे, और उसी का यूज करके हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। और यही क्वेश्चन यहाँ पे लिख देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स क्या आएगा, यहाँ पे लिखता हूँ, 1/4 pi epsilon naught q q naught 1/r1 - 1/r2। ठीक है, और ये कंप्लीट हो गई हमारी स्लाइड। थोड़ा सा छोटा करके आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब एक चीज और, एक टॉपिक और छोटा सा, क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी देखिए कई सेंसेस में यूज होता है, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें। पोटेंशियल भी कई सेंस में, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, और वैसे आप मैग्नेटिक वाले तो वहाँ भी पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल का मतलब जब आप कहीं भी एक किसी एनर्जी के किसी फोर्स के अगेंस्ट में कोई वर्क कर दें तो वहाँ पे वो वर्क स्टोर हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में, उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी, अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक हम डालते हैं, पोटेंशियल के साथ में इलेक्ट्रिक लिखना भी सही रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भाई, कुछ नहीं लिखना है, बस जो हमारा वर्क डन होता है, जैसे हम वर्क करते हैं ना एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे लाने के लिए क्या करते हैं, वर्क करते हैं, कुछ काम करते हैं, और जो जो वर्क डन होता है हमारा, जितना वर्क हम करते हैं वो क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट में उस चार्ज में स्टोर हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में। तो द वर्क डन इन, अभी देखिए आपको स्टेटमेंट से ही समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं हूँ फिर बताऊंगा, इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक जगह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगेंस्ट, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, अगेंस्ट आ सोर्स चार्ज, अगेंस्ट अ सोर्स चार्ज इज स्टोर्ड इन द चार्ज, द इज स्टोर्ड इन द चार्ज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं ना, इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, सॉरी क्या लिख गया, हाँ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्या कहते हैं उस फॉर्म को भाई, कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक मिनट अभी आप इसको लिख लीजिए फिर मैं समझा रहा हूँ इसको, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए दिख रहा है ना, दिख रहा है, काफी बड़ा लिखा होगा, काफी बड़ा लिखा दिख रहा होगा पक्का है। अभी देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हमने सिंपल से लिख दिया कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट है, एक चार्ज पॉइंट है, उसको एक फाइनाइट डिस्टेंस हमें मूव करना है, एक पॉइंट ए से पॉइंट बी यानी उसी एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करना है, तो हमें और क्या है, एक एक हमारा जो सोर्स चार्ज है उसके फोर्स के अगेंस्ट हम मूव कर रहे हैं, तो अगेंस्ट मूव करने पर हम वर्क डन करेंगे, और वो जो वर्क है वो उस पार्टिकल में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और उस एनर्जी को उसी एनर्जी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हमारा जो वर्क डन है वो क्या है, हमारा वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो क्या हो रहा है, वर्क डन हमारा जो है एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, और एनर्जी की यूनिट आपको पता है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, कोई भी टाइप की एनर्जी हो,
कोई भी टाइप की एनर्जी हो, ये तो पोटेंशियल एनर्जी है, आप चाहे जिस टाइप की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ले लीजिए, प्रेशर एनर्जी ले लीजिए, उसकी यूनिट क्या होगी, मैं यूनिट लिख देता हूँ साथ साथ में, क्या होगा, जूल, सॉरी जूल, कैपिटल जे, ठीक है। जो एनर्जी होती है किस फॉर्म में स्टोर हो, जो वर्क डन होता है कि एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जूल के यूनिट में उसको मेजर करते हैं और कहते हैं क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें या फिर आप पॉइंट पॉज करके आप इसको नोट करना चाहें, कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। अभी चलिए, अब हमारे पास क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ, ये पाथ वाला हमने जो डायग्राम बनाया था वो है, पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ लिया। अब इलेक्ट्रिक वर्क, इलेक्ट्रिकल जो पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर, पावर आपने सुना होगा, ये टर्म तो आप बहुत ही सुने होंगे, पावर क्या है, पावर मतलब नॉर्मली यूज किस फॉर्म में करते हैं, ELEC, भाई गड़बड़ हो गया ये तो, रुके इसे पूरा इरेज करके फिर से लिखते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर। देखिए इलेक्ट्रिकल पावर है, अब इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, आप एनर्जी आपने जान लिया कि वर्क डन जो होता है वो उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी और उस चार्ज पार्टिकल में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पावर क्या है, पावर का और कुछ नहीं, आसान सा इसका एक्सप्लेनेशन है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, बस रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या है, ये पावर का, ये पावर जो टर्म है ये, इसका मतलब है रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर का मतलब क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब अगर आप वर्क कर रहे हैं, डब्ल्यू वर्क कर रहे हैं और आप कितने टी टाइम में कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पावर, ठीक है। आप वर्क कर रहे हैं और कितने टाइम टी टाइम में कर रहे हैं, तो वर्क डन का रेट जो है, रेट मतलब कैसे निकालेंगे, टाइम रेट मतलब कि आप वर्क डन कितना हुआ और उसको कितने टाइम में हुआ, उसको डिवाइड कर दीजिए, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम आ गया पावर, यही है पावर। और आपको जब वो इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में बात हो रही है, तो आप सिंपल समझ जाइए कि जब ये जो पावर की, यानी जो वर्क डन की बात हो रही है, जब वो इलेक्ट्रिकल, जो हमारा इलेक्ट्रिक वर्क डन, जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन था, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा कि एक पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने के लिए जो वर्क हमें करना पड़ता है, उसी वर्क डन की बात हो रही है, उसको हम कितने रेट से कर रहे हैं, वही हमारा इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें यहाँ पे, क्योंकि पावर आपको तब आएगा जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, फिलहाल इलेक्ट्रो स्टडीज पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपको थोड़ा एक दिमाग में कॉन्सेप्ट रहेगा कि क्या होता है, कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो जाएगा, वर्क डन पावर, ये पावर है, पावर इक्वल्स वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, बस। तो अगर आपने वर्क जो लिया, वर्क जो किया, वो कितना किया, डब्ल्यू टी टाइम में, तो डब्ल्यू अपॉन टी, और वर्क डन का अभी हमने निकाला है क्या है, अगर एक पॉइंट आर वन से आर टू पे आप लेकर जा रहे हैं, तो क्या होता है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। ये तो ना पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बताया ना, कन्फ्यूज नहीं होना है, पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन एक ही चीज़ है, वो जो आप वर्क डन करते हैं वो उस चार्ज में, जो वर्क डन होता है, चार्ज स्टोर होता है, उसे एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, और उसी वर्क डन को मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने के लिए जो वर्क डन होता है, वही वहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस उसका कहते हैं, ठीक है। और ये जो वर्क डन है पर यूनिट चार्ज के लिए हम किए हैं, कि यूनिट चार्ज के लिए कितना होता है, यहाँ पे क्यू नॉट किस लिए लिखा गया है, ये यूनिट चार्ज को दिखाता है कि जो चार्ज उसका क्वांटिटी क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिट है। वर्क डन ये वो अपॉन टाइम टी, ठीक। और ये क्या बन जाएगा, इसको अगर सिंपली लिखें तो पावर जो होगा हमारा पी, पी से रिप्रेजेंट पावर को, वो क्या आएगा, वन अपॉन फोर पाई, ये बहुत कॉमन आपने नहीं देखा होगा इक्वेशन,
क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जानना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे टर्म से फेमिलैरिटी कर देता है, हमको फेमिलियर बना देता है अपने टर्म के पावर वाई टर्म को। पावर क्या है एक्चुअली में? आर वन माइनस आर टू, ठीक है। ये हमारा जो इलेक्ट्रिक पावर है उसका हमारा ये आ गया, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी ज़रा बताइए, यूनिट क्या होती है? पावर की यूनिट क्या होगी भाई? पावर की यूनिट क्या होगी ज़रा बताइए जल्दी। पावर की यूनिट, अगर ये इसके वर्क डन की यूनिट क्या होती है? वर्क डन यूनिट क्या होगी? सॉरी वाइट्स, वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल होती है, जे अपॉन यहाँ से वर्क डन की एनर्जी की यूनिट क्या होगी? जूल अपॉन ये टाइम की यूनिट सेकेंड, जूल पर सेकेंड। इसको और क्या लिखते हैं हम? वाट। जूल पर सेकेंड को क्या लिखते हैं? वाट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। किससे करते हैं रिप्रेजेंटेशन का? कैपिटल डब्ल्यू से। जूल पर सेकेंड क्या होगा? वाट हो गया, ये हमारी इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट हो गई, ठीक है। और यहाँ पर भी वही यूनिट हो जाएगी, सिंपल पावर है तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जो यहाँ पे आई थी ऊपर में, नीचे लिख देते हैं यूनिट ऑफ पावर। पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। ये जितनी भी यूनिट्स की बात कर रहे हैं हम, ये सारी एसआई यूनिट्स हैं, जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स जो होती हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की, उन यूनिट की बात कर रहे हैं। तो वर्क पावर का भी हमारा हो गया एक ही उसमें, एक स्लाइड में। ये आप स्क्रीनशॉट या फिर जो करना है नोट करना है कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी की क्लास के लिए इतना बहुत था। तुम्हारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर है, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में स्टडी है, वो आधा आप समझ सकते हैं, ये यूनिट आधी ख़त्म हो चुकी है। जो हम चार्जेस के बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एनर्जी क्या है, फील्ड क्या है, पावर क्या है, वर्क डन क्या है, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये समझ चुके हैं। अब आगे हम क्या करेंगे? आगे हमारा जो कैपेसिटेंस का चैप्टर है, कैपेसिटेंस के जो पार्ट है कि कैपेसिटर क्या होते हैं, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर्स को कैसे कंबाइन करते हैं, मतलब सीरियल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए फिर ये हमारा जो पार्ट था, ये याद रखिए कि ये सारे थ्योरेटिकल क्लासेस हैं, मतलब यहाँ पे आपको थ्योरी मेनली समझने मिलती है, उसका डेरिवेशन फॉर्मूले का मिलता है, लेकिन आपको इन पे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस खुद से करती रहनी है। अगर आपको काम हो तो आप बताइए, आप समस्या हो कोई न्यूमेरिकल्स में आप तो नीचे कमेंट्स में आप लिख दीजिए, वो न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स की आपकी प्रैक्टिस आपकी खुद से करनी है। क्या होगा कि आप यहाँ से थ्योरी समझते रहेंगे और आप जब घर पे खुद से बैठ के आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि इन फार्मूला की यूज़ को कैसे करना है, इनके इक्वेशंस जो है पावर की है तो भाई इसको यूज़ कैसे करना है। आपको वहाँ पे टर्म्स दे रहेंगे कि क्यू का वैल्यू इतना है, क्यू नॉट का इतना वैल्यू है, इतने टाइम में आपका काम किया गया, उसको आर वन से आर टू पे लेके गया गया तो कितना उस पर उस बताओ पावर कितना है, यहाँ पे पावर कितनी यूज़ हुई। तो पावर का आप क्या कहेंगे? पावर को आप सीधा यहाँ पे इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे, वो थोड़ा सा घुमा के भी आएगा, वहाँ पे आपको वैल्यूज निकालनी होंगी। तो ये सब कैसे होगा? प्रैक्टिस से होगा, जब आप घर पे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस खुद से करेंगे तो होगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये सब ठीक से पढ़ लें, अगर आप कहीं नहीं समझ में आ रहा है वो आप पूछ सकते हैं नीचे, उसको फिर क्लैरिफाई कर देंगे अगली क्लासेस में, लेकिन फिर न्यूमेरिकल्स अपने आप से कीजिए। और अगली क्लासेस में हम कैपेसिटेंस और कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।